साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एक ऐसी चीज है जो समय के साथ बहुत तेजी से अपने आप को विकसित कर रही है, और इस तेजी का कारण है इंसानों की क्यूरियोसिटी। इंसान हर चीज या रिएक्शन के पीछे का कारण जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, और इन कारणों को जानकर इनसे सीख लेकर अलग अलग और अकल्पनीय वस्तु का निर्माण करते हैं। और इस बात का प्रूफ हमें देती है हाल ही में हुई कुछ इन्वेंशंस और अचीवमेंट्स जो एक समय पर शायद किसी ने सोची भी नहीं होंगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसी इन्वेंशंस, टेक प्रोडक्ट्स और अचीवमेंट्स के बारे में जिन्हें देखकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कब और कैसे इतनी एडवांस हो गई कि उनकी मदद से आज हम ऐसी ऐसी चीज़ें कर पा रहे हैं जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की गई थी। पर इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐसा अनोखा कंटेंट आगे भी मिलता रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी इन्वेंशन या खोज के साथ जिसका सीधा रिलेशन हमारी बॉडी से है। सो द इन्वेंशन नंबर 1 इज आर्टिफिशियल टाइटेनियम हार्ट। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल करोड़ों की तादाद में लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए रिसर्चर्स भी एक आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप करने में जुटे हुए थे, और ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च टीम ने एक टाइटेनियम का हार्ट बना लिया है जो कि स्पिनिंग डिस्क टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसकी फंक्शनिंग पूरी तरह से ह्यूमन हार्ट के जैसी तो नहीं है, पर अलग तरह के पंप, मैग्नेट्स और टाइटेनियम का यूज करके इसे बनाया गया है। नंबर 2, लॉन्च ऑफ जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसान द्वारा निर्मित सबसे बड़ा और पावरफुल टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। हालांकि ये इतना बड़ा है कि इसे स्पेस में जाकर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को अनफोल्ड करने में करीब 6 महीनों का समय लग जाएगा। इस टेलीस्कोप को साल 1996 से ही बनाना शुरू कर दिया गया था, पर बहुत से कारणों के चलते इस टेलीस्कोप के लॉन्च को बार बार टालना पड़ा। पर अब क्योंकि ये टेलीस्कोप लॉन्च हो चुका है और स्पेस में जा पहुंचा है, तो अब ये ह्यूमंस को स्पेस की कई मिस्ट्रीज सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकेगा। स्टार्स के बर्थ से लेकर स्पेस में लाइफ ढूंढने तक ये इन सभी बातों का पता लगाने में ह्यूमंस की मदद करेगा। नंबर 3, लाइफ सेवर ड्रोन। ये इन्वेंशन पहली बताई गई 2 इन्वेंशन से काफी अलग है। लाइफ सेवर ड्रोन, जैसा कि इसका नाम बताता है कि ये एक ड्रोन है, पर इस ड्रोन की खास बात यह है कि इस ड्रोन को सी के ऊपर उड़ाया जाएगा, जहां से ये स्विमर्स को शार्क्स से वार्न करेगा। इस ड्रोन में वार्निंग देने के लिए लाउडस्पीकर्स भी लगे हुए हैं जो कि शार्क के देखने पर बजने लगेंगे। इस ड्रोन को फ्लॉलेस बनाने के लिए इस पर काम चल रहा है, पर ऐसी और भी कई ड्रोन्स का निर्माण हो चुका है जो स्विमर्स की लाइफ बचाने के लिए लाइफ जैकेट्स या इन्फ्लेटेबल्स को पानी में फेंक कर उन्हें बचाते हैं। नंबर 4, बिन ई। हमसे अक्सर कहा जाता है कि हमें कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए और उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, और इन्हीं के साथ बात आती है रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट की। पर सड़क पर रखे डस्टबिन में कचरा डालते वक्त ज्यादातर लोग इन 2 चीजों में फर्क नहीं करते हुए इसमें कचरा डाल देते हैं, जिसके कारण वेस्ट को रिसाइकल करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर इस परेशानी से निपटने के लिए एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो खुद ब खुद डिसाइड कर लेती है कि कौन से आइटम्स रिसाइकल किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। इस मशीन में इस काम को करने के लिए सेंसर्स और कैमरा का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मशीन कचरे का टाइप पहचान कर उसे सही बिन में डाल सके। वाकई में इस मशीन से प्लैनेट को कुछ फायदा मिल सकेगा। नंबर 5, मॉडर्नाइज्ड डिलीवरी सिस्टम। आप सभी ने कभी ना कभी तो कुछ खाने का सामान ऑनलाइन मंगवाया होगा, पर कैसा होगा कि आपको आपके ऑर्डर की डिलीवरी देने एक इंसान नहीं बल्कि रोबोट आ जाए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पोस्टमेट्स नाम की एक फूड डिलीवरी कंपनी ने एक रोवर को इंट्रोड्यूस किया है। इस रोवर में 4 चक्के और 2 आंखें हैं। साथ ही साथ ये रोवर एक सिंगल चार्ज में करीब 30 माइल तक चल सकता है और लगभग 20 किलो के आसपास का वजन उठा सकता है। नंबर 6, एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द एयर। आज के समय में हम अक्सर पानी को बचाने की बातें करते हैं, और ये बात सही भी है, पर कैसा हो कि आपके पास एक ऐसी मशीन आ जाए जो केवल बिजली या सोलर एनर्जी पर चले और हवा में से पानी निकाल कर दे दे। शायद ये सुन के आपको ऐसा भी लगे कि ऐसी चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, पर आपको बता दें कि इसराइल की एक कंपनी वाटर जेन ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो ये काम करती है। एक छोटे से वाटर कूलर के आकार की ये मशीन एक पेटेंटेड प्रोसेस के थ्रू
हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके पीने लायक पानी में बदल देती है। साथ ही साथ ये मशीन बिजली या सोलर एनर्जी से चलती है और लगभग 30 लीटर पानी देने में सक्षम है। नंबर 7, अंडर वाटर वाटर पॉल्यूशन ट्रैकिंग व्हीकल। अब जैसा कि आप सभी ये बात जानते हैं कि आजकल पॉल्यूशन हर जगह बढ़ रहा है, अब चाहे वो एयर, सॉइल या वाटर ही क्यों ना हो। एक्सपर्ट्स के अनुसार पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स एक्वेटिक लाइफ को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, और इसी चीज़ को देखते हुए पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स की कंटेंट को नापने के लिए ड्रैपर एंड स्प्राउट ने मिलकर एक व्हीकल बनाई है। ये व्हीकल पानी के इर्द गिर्द तैर कर सैंपल्स कलेक्ट करती है और साथ ही साथ उन्हें एनालाइज भी करती है। नंबर 8, सोलार पावर्ड कार। आज के समय पर एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाने के लिए और पेट्रोल और डीजल जैसी एग्जॉस्टेबल चीज़ों की कमी को देखते हुए इलेक्ट्रिक कार्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर इन इलेक्ट्रिक कार्स की आज के समय पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन कार्स की बैटरी। अक्सर बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स की रेंज बैटरी की वजह से कम रह जाती हैं, और इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए लाइटियर ने एक सोलर एनर्जी से चार्ज होने वाली कार को बनाया है। ये कार सोलर पैनल से लैस है और हर घंटे करीब 7 मील की रेंज जनरेट करती है। साथ ही साथ ये सिंगल चार्ज की रेंज लगभग 450 मील की देती है। नंबर 9, अ पावरफुल इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल। साइकिल चलाना जितना सेहत के लिए अच्छा होता है, उतना ही अच्छा हमारे पर्यावरण के लिए भी होता है। पर इस वक्त हम जिस साइकिल की बात कर रहे हैं, वो साइकिल बाकी की साइकिल से थोड़ी अलग है। इस बाइसाइकिल का नाम है हाईटेक S2 इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल। ये बाइसाइकिल एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल है जो 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसी के साथ इस साइकिल की फुल चार्ज पर लगभग 35 मील की रेंज भी मिलती है। इसमें एक एंटी थेफ्ट सिस्टम भी लगाया गया है और साथ ही साथ LED डिस्प्ले भी मिलता है, जो कि राइडर को उसकी स्पीड और बाकी की डिटेल्स बताता है। इन सभी फीचर्स के साथ इस साइकिल में एक टर्बो बटन भी मिलता है जो अलग अलग सिचुएशंस में एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करता है। नंबर 10, डिजिटल स्नीकर्स। कैसा होगा कि आप बिना लेस बांधे अपने जूतों को टाइट या ढीला अपने फ़ोन से कर सकें? अब आप फिर से सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है। तो आपको बता दें कि पूमा ने पूमा फाई नाम से एक लेसलेस शू डेवलप किया है, जिसे पहनने के बाद आपको सिर्फ शू के टॉप पर स्वाइप करना है, जिसके बाद शूज में लगी माइक्रोमोटर्स और प्रोसेसर्स की मदद से शू अपने आप टाइट हो जाएगा। लोग इसे आईफोन या एप्पल वॉच की मदद से भी यूज कर सकते हैं। हजारों की तादाद में लोगों ने इन शूज की बीटा टेस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो ये थी 10 अमेजिंग ऐसी टेक्स एंड गैजेट्स जिन्हें देखकर और उनके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा। इनमें से आपको कौन सा गैजेट या टेक प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।